बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? मैं हूं सना और आप देख रहे हैं लेट्स कुक विद सना यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके लिए बहुत ज़बरदस्त सी रेसिपी लेके आई हूं। आज हम बना रहे हैं पिनवेल बाइट्स, जो बहुत ही मज़े के बनेंगे। जिसके लिए हमें ये चीज़ें चाहिए, आटा मैंने 1 कप ले लिया है। इसमें नमक डालेंगे, घी डालेंगे, 2-3 चम्मच हमने घी डाल लेना है। इसको थोड़ा थोड़ा पानी डाल के हमने गूंद लेना है। इसको ज़्यादा पानी नहीं डालना, ना ज़्यादा ढीला हमने आटा करना है। ऐसे सख्त सा हमने आटा, ऐसे इसका डो बने, सख्त सा बनाना है हमने। साथ हमने आलू उबाइल किया है। आलू को हमने ऐसे टुकड़ों में काट के धो के हमने उबाइल कर लिया है। अब इसको मैश कर लेंगे, ऐसे बिल्कुल अच्छे तरीके से हमारे ये हो जाएंगे। इसके बाद हम फ्राई पैन में हम डालेंगे, ऑयल डालेंगे 3-4 चम्मच। इसके बाद ज़ीरा डालेंगे, इसको फ्राई कर लेंगे, ब्राउन सा कर लेंगे। इसके बाद ये हम डाल लेते हैं आलू जो बॉईल किए थे। इसको घी डाल के ऐसे थोड़ा सा फ्राई भून लेंगे अच्छी तरह से। हरी मिर्चें डालेंगे बारीक काट के, हरा प्याज डालेंगे, धनिया डालेंगे। इसको थोड़ा सा ऐसे फ्राई कर लेना है। थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा ऐसे नमक डालेंगे, लाल मिर्चें डालेंगे। इसको ऐसे बना लेना आपने। लेमन डालेंगे, थोड़ा सा खट्टा से इसमें फ्लेवर आए और बहुत मज़े का लगे। देखिए आटा हमारा ऐसे ही आपने आटा गूंदना, सख्त आटा हो हमारा। थोड़ा थोड़ा पानी डाल के घी में इसको गूंदना अच्छे तरीके से। इसका पेड़ा बना लेंगे एक रोटी का, रोटी से थोड़ा सा बड़ा ले लेंगे पेड़ा। इसको ऐसे अच्छे तरीके से बेल लेंगे हम। इसके ऊपर जो आलू हमने बनाए थे वो ऊपर लगाएंगे अच्छे तरीके से, ऐसे पतला सा करके साइडों पे भी अच्छे तरीके से लगा लेंगे। ये ध्यान रखिएगा कि नीचे से चिपके ना हमारा आटा, इतना सख्त होना चाहिए हम आटा हमारा कि नीचे से चिपके ना। ऐसे हमने इसको रोल बना लेना है बारीक सा करके। देखिए दुबाने से भी हमारा आटा सख्त सख्त है थोड़ा सा। ऐसे आटा हमारा तो बहुत मज़े के बनेंगे। अब मैदा ले लेंगे 2 चम्मच, इसके अंदर पानी डालेंगे, इसका गोल सा बना लेंगे, इतना पतला हो हमारा। इसको इसे लगा लेंगे थोड़ा सा। इसके बाद हम फोल्ड करेंगे इसको ऐसे, ऐसे थोड़ा सा दबाएंगे इसको, थोड़ा सा ऐसे लंबा कर लेंगे। हल्के हाथों से दबा के इसको अंदर थोड़ा सा कवर कर लेंगे, साइडों से, दोनों साइडों से हम कवर कर लेंगे थोड़ा सा। ऐसे इक्वल हो गया हमारा दोनों साइडों से। ऑयल हमने रख दिया है, गर्म कर लिया हमने। देखिए ध्यान रखिएगा, एक तो आटा हमारा सख्त होना चाहिए, दूसरा नंबर हमारी छुरी जो है ना तेज़ होनी चाहिए। इसके ऐसे हम स्लाइस बना लेंगे। इसको हल्के हाथों से ऐसे प्रेस करेंगे थोड़ा थोड़ा। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक भी किया करें, ताकि और मैं आपके लिए मज़े सी और सिंपल सी रेसिपी लेके आऊँ। ऐसे हम ऑयल गर्म हमारा हो चुका है, इसके बाद हम ये डालते जाएंगे ऐसे हल्के हाथों से डिप करके, जो गोल सा हमने बनाया था उसमें ऐसे बनाते जाएंगे। ये बहुत ही टेस्टी और मज़े के बनेंगे। देखिए छोटे छोटे, देखने में कितने खूबसूरत और खाने में भी उतने लजीज और मज़े के लगेंगे। केचप के साथ खाएं और इन्जॉय करें। इसका टेस्ट क्रंची सा समोसे के जैसा टेस्ट है इसका। ओके जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग, खुदा हाफिज़।